सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। चैनल का नाम है कहाँ जाना है। मेरा नाम है रोहित और इंदौर के मेट्रो अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं। इस बार हम मेट्रो अपडेट्स फिर से जैसी हमेशा रख रहे हैं वैसे ही रखेंगे, दो पार्ट्स में रखेंगे। ये उसका पहला पार्ट होने वाला है फ्रॉम रोबोट स्क्वायर टू MR10। और मैं आपको और अपडेट करा दूँ तो हम जैसे वीकली अपडेट्स बना रहे हैं तो ये अगस्त महीने की सेकेंड अपडेट होने वाली है। और बस शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सबसे बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगा जयेश भाई को, पलाश भाई को, जो मुझे ना अभी तक बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं यार। तो 1500 लोगों में इन दो लोगों को मैं याद रख पा रहा हूँ क्योंकि ये इतना सपोर्ट करके दे रहा है, और शायद इन लोगों की वजह से मैं थोड़ी सी ना आलसी छोड़ के मैं काम भी कर पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं हमारी अपडेट्स को। चलिए तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं रोबोट स्क्वायर से हम रेडिशन स्क्वायर की तरफ जब जाते हैं तो रेडिशन स्क्वायर मेट्रो स्टेशन की अभी जो आप कंडीशन देख पा रहे हैं, हालांकि अभी सबका ही सितंबर की वजह से प्रायोरिटी जो हो गई है सेट वो सुपर कॉरिडोर हो गई है, पर फिर भी अभी आप यहां के भी अपडेट्स देख सकते हैं हाथ ही हाथ। और अपडेट्स में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी काम हल्के बदले में नहीं लिया जा रहा है, यहाँ भी काफ़ी आप बहुत दिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी पिलर्स का निर्माण जो है वो भी जोरों शोरों से चल रहा है, पर आपको जो वर्कफोर्स दिखेगी वो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, सुपर कॉरिडोर पर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। और फिलहाल हम आ चुके हैं हमारे रेडिशन स्क्वायर वाले रूट पर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पहले ये पिलर्स अपडेटेड नहीं थे, लेकिन अब इनको भी तैयार कर दिया गया है। और ब्रिज तो आप यहाँ से काफी समय से देख पा रहे होंगे, तो इस ब्रिज का निर्माण तो काफी पहले से ही हो चुका है। हम बताएंगे आपको जो अभी अधूरा छूट गया है, आगे चलते हैं। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अभी हम अभी चल रहे हैं क्रोमा के पास में। क्रोमा से ज्यादा ये बिल्डिंग रिवॉल्यूशन के नाम से भी फेमस है, अपोलो है वैसे अपनी बिल्डिंग है, बट हाँ बता रहा हूं मैं, याद दिला दूं आपको। आगे हम पहुंचने वाले हैं हमारे विजयनगर स्क्वायर पर। यहाँ पर भी काफी अच्छे से वेल मेंटेन हो चुका है ट्रैफिक, अभी इतना बड़ा चौराहा दिखने लगा है ये जब से रोटरी वहां से गायब करी गई है। और इन बसेस को अगर आप जाने दें जो हमने जाने दिया, उससे अब हम देख सकते हैं कि हमारे मेट्रोस के आर्म्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। और पिछली बार हमको ये डाइवर्जन भी लॉक मिला था, यहाँ पर डाइवर्ट किया गया था हमको लास्ट टाइम, बट इस बार नहीं। तो इस बार के आप अपडेट्स में आप देख पाओगे कि आपका विजयनगर जो स्टेशन है वो कितने हद तक रेडी है, और उसके बाद आपको ब्रिज देखने के लिए मिलेगा। और आज थोड़ा सा रंगारंग पुताई का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया थिनर वाली जो खुशबू आती है घर में करते थे ना, काला काला काले पेंट करते थे जो लोहे के, उसमें करते थे और उसकी पूरी पेंट आती थी वैसी वाली खुशबू आ रही है अभी कभी इस पेंट की वजह से। और फिलहाल यही मस्करी करते करते हम पहुँच गए हमारे विजयनगर के नेक्स्ट सायाजी स्क्वायर पर, जिस पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेशन होगा बापट के पहले मेघदूत स्टेशन, उस तक हमारा ब्रिज तो पहुंचा दिया गया है। हमारा जो लॉन्चर है वो भी बढ़िया एकदम किनारे पे सटा हुआ है, वो बहुत ही बढ़िया अच्छी फील लेता है एकदम। जो ड्रॉर हम लगाते हैं, तो ड्रॉर में वो नहीं होता वो किवाड़ खींचने वाला वैसा वाला, वो किवाड़ लगने लगता है कि यहाँ से ये पकड़ के पीछे दिया उसको।
एक ऐसा टल्ला मारो और मुंह वहां तक चला जाएगा पूरा का पूरा घिसता हुआ। इस लेटेस्ट नज़ारे को देखकर काफ़ी ही मन मुक्त हो चुका हूं मैं, क्योंकि पिछली बार इतना भरा भरा नहीं था ये, पर आर्म्स का काम यहां पर नेक्स्ट अपडेट जो है हमारे मेघदूत स्टेशन की, इसमें पिलर्स के साथ अब इनके आर्म्स भी रेडी हो रहे हैं और नेक्स्ट टू अगेन ब्रिज तो देख ही सकते हो बहुत ही खूबसूरती से जो इसको बना के अब फुर्सत हो चुके हैं। ये भी यहाँ पर मेजरली अगर कोई अपडेट है तो वो सिर्फ स्टेशन में ही आपको नेक्स्ट टू देखने के लिए मिलेगी, बाकी इसके ऊपर जाने के लिए आपकी परमिशन मांगी है, मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया है, फिर हमको ऊपर से भी बढ़िया एकदम आपको वीडियो दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट अभी चलते हुए हमने क्रॉस कर दिया है हमारा विजयनगर, देन सायाजी और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे पापड़ स्क्वायर की तरफ, जिसमें कि आप ब्रिज को देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ कंप्लीट हो रखा है ये। अभी पिछले स्टेशन में से अगर कोई सा स्टेशन है जो काफ़ी ही कम देखने के लिए मिल रहा है वो है हमारा पापड़ स्क्वायर पर। इस स्टेशन में आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ समय लगने का कारण, नाला भी है और प्रायोरिटी भी है, तो प्रायोरिटी पे अभी सुपर गोल्ड डोर है तो हम यहाँ के स्टेशन और यहाँ के कंस्ट्रक्शन थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बस अभी मेजरली फोकस जो है वो डेडलाइन हमारा सुपर कॉरिडोर ही है, उसकी अपडेट के लिए भी आपको सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा जो कि इसके बाद मैं अपडेट करूँगा, पर फिलहाल अगर आप सिटी के मेट्रो स्टेशन में इंटरेस्टेड है जो कि होना चाहिए दोस्तों मेरा यार वॉच आवर बढ़ाओ यार तो अगर है तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और फिलहाल हम अभी पहुँच गए हैं पापड़ स्क्वायर से, अब हम नेक्स्ट टू जिसमें आप अभी ऊपर देख पाओगे, देखो ब्रिज जो है वो तो रेडी है, बस अब ये यहाँ पर जो सेगमेंट्स है उनको ठोस किया जा रहा है और आगे बढ़ा जाएगा अभी सेगमेंट लॉन्चर से हीरानगर चौकी की तरफ। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको दूसरा लॉन्चर भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो सारे लॉन्चर इकट्ठा तो है यहीं पर। इनको ब्रिज का अगर आप पापड़ से MR10 की तरफ अगर आप देखें तो ब्रिज प्लस स्टेशन दोनों का ही काम में तेज़ी दिखाना पड़ रही है, और उससे पहले अगर देखें तो ब्रिज तो हो गया है बट स्टेशन के काम में तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है। तो ये जो हमने अपना ही पार्टीशन कर लिया है, तो इस सेकेंड वाले पार्टीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो अभी आर्म्स का अगेन काम चल रहा है जैसा कि हमारे विजयनगर वाले पे चल रहा था। ये भी मुझे देखने में थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है दोस्तों ये स्टेशन, बाकी खूबसूरत तो है। और यहाँ से जैसे ही स्टेशन कंप्लीट होता है वैसे ही ब्रिज की ओर हम आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे कि ब्रिज 90% रेडी है और ये जा रहा है टूवर्ड्स हमारा MR10 सुकलिया। काफी पुराना कंस्ट्रक्शन ये भी होकर फ्री हो चुका है अब ब्रिज में भी। आप यहाँ से सुकलिया वाला जो स्टेशन है आप देखेंगे इसका भी आर्म्स का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट टू अब ऑन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, तो इसका यहाँ से भी आप देखेंगे। अच्छा
एक और चीज, मुझे वो बड़ा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं जस्ट उसके नीचे से निकल रहा था। अभी तक स्टेशन के मैं साइड से जाता हूँ ना, शायद इस वजह से भी पर्सपेक्टिव में डिफरेंस हो सकता है। इसमें हम साइड से जाते हैं तो हमको ये नॉर्मल लगता है, वो एकदम नीचे से जाने पर हमको बहुत बड़ा बड़ा लगता है। तो शुक्रिया से आगे के और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लगभग पूर्णतः, दिस इज द राइट वर्ड, तरह से ब्रिज तो कंप्लीट है। यहाँ से आगे स्टेशन जो है, इतना वाला जो एरिया है MR10 से हमारा भवर साल तक का जो स्टेशन है उसमें ऐसा लगता है कि वो भूल ही गए हैं उत्ताले हिस्से को, तो वही पार्टीशन है जो जोड़ना पड़ेगा इनको बाद में। बट ठीक है, सबके अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो अपनी स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी से काम करेंगे और आप अपनी स्ट्रेटजी से अगर काम कर रहे हैं तो अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा आई गेस, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा हुआ है मुझे पता ही है। तो वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है वो भी आपको पता है, नहीं तो जयेश से पूछ लो बता देगा। आगे बढ़ते हुए हमारे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे ISBT की तरफ, ये बहुत ही जल्दी दोस्तों बहुत ही रंगा रंग हो जाएगा ये, मैं बता दूं आपको। और यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं ब्रिज से स्टेशन की आप दिशा देख सकते हैं कि काफी हद तक पहले वाली जो कंडीशन थी और जो पहले के स्टेशन है उनके मुकाबले एक रेडिशन और एक ये दोनों पूर्णतः रेडी लगते हैं इनके हिसाब से। बाकी तो बहुत काम बचा है इनमें भी, अभी बहुत ज़्यादा ही काम बचा है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट स्टेशन देखेंगे अभी तो आपको पता चलेगा इनमें कितना सारा काम बचा है। और तो मुझे आपको दिखाने में बहुत ही मज़ा आता है ये नज़ारा, आपको भी आता है नहीं आता मुझे बिल्कुल बताइएगा कि ISBT का आपको ये नज़ारा कैसा लगता है। ये देखो दोस्तों, इसको बैलेंस करना कितना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप ये देखिए बीच में इंटरसेक्शन अभी ये जो देख रहे हो ये कैसा उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे लग रहा है, तो टेस्टिंग भी इसीलिए ज़रूरी होती है। और ये यहाँ से सुपर कॉरिडोर तक अगर आप देखेंगे तो इस कंस्ट्रक्शन में ऐसा लगता है कि यार इनकी कोई क्षतिच नहीं है, बड़े हैं वीरान एकदम, पर नहीं ऐसा नहीं है, इनकी भी उतनी अहमियत है जितने अदर स्टेशन की है, इट जस्ट प्रायोरिटी सबकी अलग अलग है। अगेन एंड अगेन यहीं पर आप अगर देखेंगे तो ब्रिज आपका उसके पहले पिलर जो है उसकी तैयारी, और लेफ्ट वाले तो ठीक है। अभी मेरे को जो नया एक जो दिख रहा है वो एकदम सामने की ओर दिख रहा है, जिसमें हमारे पिलर के लिए एक ढांचा तैयार दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी काम में थोड़ी सी तेज़ी है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नहीं देखा था इसको, शायद इस बार इनके कुल्फियों के ढांचे तैयार हो चुके हैं। हाँ, इसके अंदर ये शायद से पुराना ही है, लेटेस्ट नहीं लग रहा मुझे, क्या बोलते हो दोस्तों, ये पुराना है लेटेस्ट ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी खड़ा करा करा है। और यहाँ पर भी अब काम में तेज़ी दिखाएंगे और फिर से हमारे वीरान स्टेशन की तरफ हम कूच करते हुए। और इस वीरान स्टेशन के भी आप देख सकते हैं काया, ये भी हमारे वहाँ के स्टेशन जो हैं सिटी के उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड लग रहा है, तो ये ऐसी पार्शियलिटी क्यों? ये बाहर है आउटर स्टेशन पे, इसको बनाना थोड़ा आसान रहता है इसीलिए, या ट्रैफिक कम रहता है शायद इसीलिए, सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसी वजह से कह सकते हैं। आपकी क्या राय है इसमें बताओ मुझे, मुझे तो यही ज़्यादा लगती है। और मेरे को पता है ये जयेश सबसे पहले कमेंट करेगा इसके ऊपर क्या राय रखता है। अंदर भी दोस्तों हमको शटर की वजह से इतना दिखता नहीं है, बाकी यहाँ से आप बोलेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगी एकदम तेजी।
पावरशाल मेट्रो स्टेशन से पार्ट सेकंड की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि आप इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वही सेम इसकी भी हालत हुई पड़ी हुई बेचारे की, ठीक है, स्टेशन की हो रखी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला पार्ट हमने ख़त्म कर दिया है, और आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या उसमें अपडेट कर सकते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में आपको लगा हो कि कोई नई चीज़ें हमको ऐड करना चाहिए, आप वो भी मुझे बताइएगा, क्या क्या बता सकते हो सब कुछ मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जयेश और पलाश कमेंट करने ही वाले हैं, और कोई भाई लोग और कुछ बताना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वॉच आवर्स में हमारी थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख रही है मुझे, 3650 होते हुए दिख गया है मुझे, क्योंकि हमारे 365 दिन हमने कंप्लीट कर लिए, तो शायद इसलिए वो घटते भी जा रहे हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा और दोस्तों मेहनत करना पड़ेगी। और सब्सक्राइब देखो, लाइक करने से क्या होता है मालूम है, आप जब लाइक करते हो ना तो वो दूसरों को भी रिकमेंड करता है कि ये चीज़ काम वाली। जैसे मैं आज भी अगर सर्च करता हूँ तो मेरा वीडियो टॉप पे नहीं आ पाता है, क्यों? क्योंकि शायद लाइकिंग या वो सब कम है यार, क्वालिटी तो मेरे से बढ़िया कोई दे नहीं रहा अभी तक मार्केट में। पर ठीक है, आप लोग आपका जितना भी प्यार हो बना के रखिए, हम आगे चलते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 को शुरुआत करने के लिए यहाँ सही राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आपको लिंक मिली जाएगी। थैंक यू सो मच।